आजकल जिस तरह से खबरें बन रही है, आम आदमी जो गांव में रहता है वो धीरे धीरे खबरों से दूर होता जा रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो वेब हो या कुछ भी हो। ज्यादा जगहों पर से गांव गायब है, खबरों में से गांव जा चुके हैं, आजकल कोई गांव का कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होता। तो एक शुरुआत की गई कि क्यों ना गांव की खबरें, गांव में जो अच्छा हो रहा हो वो लोगों तक दिखाया जाए। पर गांव में भी बहुत बदलाव हुए हैं, कई स्कूल्स हैं जिनमें एक एक डेढ़ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने आलीशान स्कूल बनाए हैं। कोई छोटा सरपंच है जो ये इंश्योर करता है कि हर सुबह उसका गांव नीट एंड क्लीन हो। तो छोटे छोटे अच्छे प्रयास हो रहे हैं। इन अच्छे प्रयासों को ना तो टीवी कवर करता है ना ही मेनस्ट्रीम मीडिया। तो इसलिए कहा कि गाँव को प्रॉस्परस कैसे बनाए, उसको वापस यशस्वी कैसे बनाए और वो कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं इनको दिखाया जाए, इसी आइडिया के साथ ये शुरुआत की। हमने सबसे पहला माध्यम पिक किया YouTube। जब YouTube पे प्रोग्राम ठीक जाने लगा तो नेटवर्क 18 राजस्थान ने हमें अप्रोच किया, हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा आपकी इन कहानियों को हम दूर तक ले जाएंगे। और ये शोग्राम का टाइप और नेटवर्क 18 राजस्थान के साथ पिछले एक साल में हमने करीब करीब 50 से ज़्यादा गाँव की स्टोरीज जनमानस तक पहुँचाई। कई लोग इन स्टोरीज को देख के हमारे पास वापस आए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर। तो जो भी छोटी हम मदद कर पाए वो हमने ज़रूर की और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि हम कितनी बेहतर स्टोरीज आगे दिखा सके और कितने लाइफ्स को इम्प्रूव कर सके लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो प्रॉस्पेरिटी का जब लॉजिस्टिक बनाना चाहते हैं तो अलग अलग विलेज की अलग अलग, जहाँ खेती की संभावना है वहाँ मापदंड यह होगा कि कृषि की नई जो चीज़ें आ रही है उसको कितना लोगों ने अडेप्ट किया और अपनी लाइवलीहुड को बनाने के लिए उनकी पर्कट। जिन क्षेत्र में एजुकेशन नहीं है वहाँ मापदंड ये होगा कि वहाँ अच्छी शिक्षा कैसे हो सके, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना की जाएगी। तो जो प्रॉस्परस विलेज की जो कल्पना है वो यूनिफॉर्म हम कंट्री में एंटिसिपेट नहीं कर सकते। परिवार का भी सारों का सोच ये रहती है कि जो हमारे ज़मीनी जो लोग हैं उन लोगों को जितना रोज़गार आप सीधे तौर के ऊपर दे सकते हैं वो देना चाहिए। पर इसमें खूबसूरत बात जो ज़्यादा है वो ये है कि आज की तारीख में इन जगहों को, धरोहर को चलाने का, संभालने का, एक जिम्मेदारी से चीज़ को रखने का जो इसका परिणाम हम लोगों को जो मिला है वो खूबसूरत ये है कि आज की तारीख में हर घर के अंदर एक अन्य तरीके से हर व्यक्ति इस व्यवसाय के साथ में जुड़ा हुआ हो गया। हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान की एक और नई ग्राम पंचायत में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।